अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहें, सारे खुश रहो। आज की वीडियो है सैमसंग FRP के बारे में। कोई भी फ़ोन हो आपको, सैमसंग का कोई भी फ़ोन हो, एंड पे जाना है जहाँ पे मैं गया था, ठीक है? उसके बाद वैल्यूम अप और ऑन ऑफ स्विच एक बार प्रेस करना है, यूज़, फिर करना है टॉक बैक ऑन, उल्टा एल, ठीक है? यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, फिर डबल क्लिक करना है। ये यूज वॉइस कमांड पे क्लिक किया, फिर डबल क्लिक करना है इस पे। गूगल असिस्टेंट जब ये बन के आएगा डब्बा। टॉक बैक को ऑफ करते हैं। यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं गूगल, ठीक है? अच्छे से देख लेना। टाइप किया मैंने, ये जी आ गया ना बन के, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे माइक पे क्लिक करना हमने। हे गूगल, दूसरा तरीका भी बता दूंगा मैं आपको। बैक जाता हूँ मैं। हे गूगल, ओपन क्रोम, ठीक है? ये तरीका भी बता दिया, दूसरा भी है। अब यहाँ पे सर्च आप क्या कर लोगे, यहाँ पे सर्च कर लोगे आप ADDRONE गो, ठीक है? ये हो गया ना, पहले नंबर पे हम क्लिक कर लेंगे। वो जो गैलेक्सी स्टोर में एरर आता है उसको छोड़ो, दफ़ा कर लो उसको, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग ओपन करनी है, और सबसे पहले हमने गूगल अकाउंट, ये क्या नाम है इसका, गैलेक्सी स्टोर में जो लगता है ना, ये सैमसंग अकाउंट, वो अगर आपके पास है ठीक है, नहीं तो किसी का यूज़ कर लो। gmail.com, ठीक हो गया ना? मैं ठीक है, ये हो गया ना। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एग्री करता हूँ, अब मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, स्टार्ट नहीं कैंसिल, ठीक ठीक हो गया ना। यहाँ पे बैक, अब यहाँ पे हमने अकाउंट बैकअप में नहीं जाना, नीचे जाना, यहाँ पे जाना एक्सेसिबिलिटी पे, यहाँ पे क्लिक किया आपने, तीसरे नंबर कहाँ पे जाना है, चौथे नंबर पे क्लिक करना है, इस पे पहले नंबर पे क्लिक किया, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड तक जाना है, डन। इसको ऑन करना है, ठीक है? फिर इस साइड इसी पे क्लिक करना है, इस साइड क्लिक किया, फिर दूसरा वाला भी ऑन करना है, इससे ये आ जाएगा, ठीक? इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अरे हो जाए भाई, बड़ा ख़तरनाक है। ठीक है, बैक जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आप जाना है, ठीक? यहाँ पे उसी टाइम क्लिक करना जब यहाँ पे क्लिक कर लोगे आप, ठीक? दोनों यहाँ पे भी एक ही साथ, यहाँ पे भी एक साथ क्लिक होना चाहिए, ठीक है? गलत, ये देखा आपने, ऐप्स आ गए। अब कैंसिल करता हूँ मैं, यहाँ पे रिस्टोर कर लो, इंस्टॉल कर लो, जो इस सैमसंग अकाउंट में जितने वो है ना एप्लीकेशन, वो सारी इंस्टॉल हो जाएंगी खुद ही। चलिए जी, हो गया ये। अब यहाँ पे डन, लेटर, ठीक है? अब बैक जाएंगे हम, बैक बैक यहाँ पे जाएंगे, ठीक है? अब हमने क्या करना है, अब ये एप्लीकेशन हमने ओपन करनी है, ठीक? ये एप्लीकेशन ओपन करनी है, उसके बाद यहाँ पे स्किप, यहाँ पे आप यही वाली आईडी डाल लो जो मैं डालूँगा ना, यही आप भी यूज़ कर लो, आपकी मर्ज़ी अगर आपके पास है, ठीक? ASIF9650, यही है 9650। उसके बाद पासवर्ड क्या है, RAYEESRUH786, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, साइन इन करता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लो आप, नेक्स्ट इसको ऑन करता हूँ मैं, एक्टिवेट, नेक्स्ट इसको भी ऑन करता हूँ, ठीक है मेरी जान? यहाँ पे कंफर्म,
ठीक है ना, नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ मैं, ये हो गया ना, नेक्स्ट उसके बाद फिनिश। अब जब फिनिश होता है यहाँ पे किसी किसी फ़ोन में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो टेंशन मत लिया कर लो, आप थोड़ा सा वेट कर लो। अब यहाँ पे आपने क्या क्या सर्च करना अच्छे से देख लेना, ठीक है। सारे फ़ोनों में ये काम नहीं करता, थोड़े से मॉडल है 10-15 मॉडल जिन पे ये काम नहीं करता, उनको एंड्राइड डाउन करके किया कर लो। अगर एंड्राइड में डाउनग्रेड फाइल नहीं मिलती आपको तो उनको क्या किया कर लो, कॉम्बिनेशन फाइल से कर लो। अगर वैसे भी नहीं है तो रूट वाला खाता तो आपको पता ही है। चलिए जी, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, दो तीन बार मिनिमाइज हो जाता है। एंड्रॉइड सेटअप, वाईफाई खुद ही बंद हो गया। दूसरे नंबर पे जाएंगे, फोर स्टॉप कर लेंगे यहाँ पे देखो, उसके बाद वाइप डाटा, ओके करना है, ठीक। बैक जाऊँगा मैं, दूसरा वाला कौन सा हमने सर्च करना है, सैमसंग सेटअप, SAMSUNG, सैमसंग स्पेस SETUP, इसको ओपन करना है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद एक्शन पे जाएंगे यहाँ पे दूसरे पे, ठीक। उसके बाद हम फोर स्टॉप, ये देखो वाइप डाटा, ओके, ठीक है। पता नहीं यार क्या हो गया इसको, अच्छा दिख भी नहीं रहा, चलो कोई नहीं। उसके बाद हमने क्या करना है, गूगल प्ले सर्विस बैक करके, ठीक है। यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस पहला वाला, ठीक। दूसरे नंबर पे इसको भी वही करना है, एक्शन पे फोर स्टॉप करना है ये, ठीक। उसके बाद वाइप डाटा करना है, ओके, ठीक है ना। अब ये क्या पता बैग चला जाए खुद ही, ठीक है। अब एक ही बार हमने सर्च करना है सैमसंग सेटअप FRP बाईपास हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे समझ नहीं आती इसको होता क्या है, SAMSUNG सैमसंग SETUP, ठीक है ना। तो इसको आपने ओपन करना है, अब तीसरे वाले पे जाना है, एक्शन पे नहीं जाना, तीसरे वाले पे यहाँ पे जाना है, ठीक। पहला वाला हमने ओपन करना, इनेबल नहीं, ओपन, ओपन किया, FRP बाईपास हो गया, ठीक है मेरी जान। बस यही था एंड्रॉयड 11 12 में जो भी है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ। अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर लाने वाला हूँ एक, जिससे आप खुद ही कॉम्बिनेशन फाइल क्रिएट कर लोगे, ठीक है। दिक्कत होती रहती है आपको FRP की, कर रहा हूँ मैं कोशिश उसके लिए, ठीक है। चलो जी, उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो के लिए अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर, अगर न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।